पहली बार गर्भधारण करने वाली बछिया के हीट में आने की स्थिति कैसी होती है और जो गाय कई बार गर्भधारण कर चुकी हो तो क्या उसके गर्म होने के लक्षणों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन दोनों ही स्थितियों में गर्म होने के लक्षणों को कैसे समझें एवं पहली बार गर्भाधान कराने के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए लेते हैं तमाम जानकारी। पहली बार गर्म होने की स्थिति में बाछी साफ तौर पर इसके लक्षण नहीं दिखाती है। पहली बार में वो चुप्पी गाय या साइलेंट हीट में रहती है। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ते ही वो गर्म होने के पूरे लक्षण दिखाना शुरू करती है। लेकिन जैसे जैसे गाय का बयान बढ़ता है उसमें गर्म होने के बाहरी लक्षण कम दिखाई पड़ते हैं, जबकि सभी आंतरिक प्रतिक्रियाएं बखूबी चलती रहती हैं। जरूरी नहीं कि ये समस्या सभी गायों में अनिवार्य रूप से हो रही हो, लेकिन औसतन बढ़ती उम्र का असर गर्म होने के बाहरी लक्षणों को प्रभावित करता है। अगर आपको गाय के हीट में आने के सही समय की पहचान हो तो ऐसा नहीं है कि अधिक बयान वाली गायें गर्भधारण नहीं कर सकती। इन सब के अलावा कुछ अन्य बातों का भी ध्यान आपको रखना होगा, जैसे जो बछिया पहली बार गर्म हुई हो तो उसमें सीमेन यानी वीर्य नहीं डालें, क्योंकि कई बार पहला हीट सिस्ट का होता है, जिस स्थिति में सीमेन डालने से गाय को नुकसान हो सकता है। पहला हीट सिस्ट का है या नहीं इसकी पहचान करने के लिए आप गाय के भग की लालिमा की जांच नियमित रूप से करते रहें। गर्म होने वाले दिन के 11वें दिन भी अगर यही लालिमा दिखाई दे तो यह सामान्य स्थिति नहीं है, आप डॉक्टर को बुलाकर गाय की जांच अवश्य करवाएं। ध्यान रहे कि पहली हीट में गाय की योनि से निकलने वाला द्रव्य बिल्कुल साफ और पारदर्शी होना चाहिए। अगर गंदगी भरा स्राव हो रहा हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।